तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार अजय देवगन अपनी फिल्म भोला को सिनेमा घरों में 30 तारीख को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एडवांस बुकिंग 4 वर्जनों के माध्यम से पूरे इंडिया में शुरू किया जा चुका है, यानी कि 2D 3D 3D IMAX 3D 4DX यानी कि इन 4 वर्जनों के माध्यम से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग भैया शुरू किया जा चुका है। तो भैया इन 4 वर्जनों के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन के लिए पूरे इंडिया से अब तक कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, ये सारी जानकारियाँ मैं अब आपके सामने रखूँगा एक एक करके। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये जानकारी रखूं कि भैया अभी भोला को इन 4 वर्जनों के माध्यम से कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, कि भैया इस जानकारी को बताने से पहले मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा जिसको सुनने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि भाई इस फिल्म का बज इस वक्त कितना स्ट्रांग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस फिल्म का इंतज़ार इंडियन ऑडियंस कितनी बेताबी से कर रही है, इस फिल्म के ऊपर भैया मल्टीप्लेक्स ऑनर्स को कितना विश्वास है, इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर कितना उत्साह है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि भैया डे बाई डे इस फिल्म के शोज़ में इजाफा होते जा रहा है मेरे भाई एडवांस बुकिंग के लिए। यानी कि कल मैंने आपको ये जानकारी दी थी ना कि भैया इस फिल्म का एडवांस बुकिंग लगभग पूरे इंडिया में 4000 स्क्रीन के माध्यम से किया जाने लगा है। यानी कि कल तक इस फिल्म को एडवांस बुकिंग के लिए 3880 शोज मिले थे भैया, वो शो अब बढ़कर 5000 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म को अब पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग करने के लिए 5609 शोज मिल चुके हैं 2D 3D 3D IMAX 3D 4DX वर्जन के माध्यम से। और भाई इस फिल्म के इन सभी वर्जनों के माध्यम से अब तक जो पूरे इंडिया में टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 29,118। यानी कि इस फिल्म के हिंदी के 3D वर्जन के अब तक पूरे इंडिया में 20,609 टिकट बिक चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को 3D वर्जन में अब तक जो इंडिया से एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 58,09,088 का। उसके बाद भैया इस फिल्म के हिंदी के 2D वर्जन के माध्यम से अब तक पूरे इंडिया में 6,501 टिकट बिक चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को हिंदी के 2D वर्जन के माध्यम से अब तक जो एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 16,05,301 का। उसके बाद भैया इस फिल्म के 3D IMAX वर्जन के माध्यम से अब तक भैया जो टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 1,109। और भैया इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को हिंदी के 3D IMAX वर्जन के माध्यम से जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 6,09,336 का। और उसके बाद भैया इस फिल्म के हिंदी के 3D 4DX वर्जन के माध्यम से जो अब तक पूरे इंडिया में टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 901। और भैया इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को हिंदी के 3D 4DX वर्जन के माध्यम से जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है उस वो आंकड़ा है 4,93,170 का। यानी भैया कुल मिलाकर इस फिल्म को इन 4 वर्जनों के माध्यम से पूरे इंडिया से जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 85,17,000 का। यानी कि भैया 85,17,895 का बिजनेस इस फिल्म ने पूरे इंडिया से कर लिया है इन 4 वर्जनों के माध्यम से। यानी भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है, ये तो आंकड़ा है अनब्लॉक सीट्स का, जबकि भैया ब्लॉक सीट्स के माध्यम से तो भैया ये आंकड़ा 2.5 करोड़ के आंकड़े के ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जब इस फिल्म को इतने बड़े कैनवस पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा तो भैया इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा ओपनिंग मिलेगा, क्या वो ओपनिंग भैया 20 करोड़ से ज़्यादा का होगा कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।